अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। विश्व विख्यात बाबा बैद्यनाथ धाम में बसंत पंचमी को काफी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर मिथिलांचल के लोग बसंत पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि का आयोजन होना है। इन सभी को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, देवघर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल, देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान इन लोगों ने बीएड कॉलेज परिसर से लेकर मंदिर तक का भ्रमण किया। साथ ही महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी को लेकर होने वाली भीड़ पर नियंत्रण कैसे रखा जाए इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया। देवघर एसपी ने कहा कि अतिरिक्त फोर्स हेडक्वार्टर से आदेश आने के बाद डिप्लॉयड की जाएगी। फिलहाल व्यवस्थाओं में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। अरे रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स पुलिस को, तो अभी बसंत पंचमी और शिवरात्रि जो आ रही है उसी को चलते हुए टोटल जो रूट लाइनिंग जो है वो सारा देखे हमने। नगर निगम के आयुक्त भी है हमारे साथ और जहाँ जहाँ श्रद्धालुओं के लिए जो अच्छा सा एक हम एक्सपीरियंस दे सके, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं और बिजली विभाग को भी वो उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है और शीघ्र दर्शन भी शुरू होगा ताकि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं जो बच्चों के साथ रहते हैं और कुछ लोग जो ज़्यादा देर तक मतलब तो लंबे लाइन में नहीं रहना चाहते तो शीघ्र दर्शन रहेगा और वीआईपी दर्शन बसंत पंचमी और शिवरात्रि में नहीं रहेगा क्योंकि बीट अर्घा नहीं अंदर तो गर्भगृह में लोग जो जाएंगे तो जल्दी से बाहर आने की ज़रूरत है और साथ ही साथ लोगों से हम ये भी अनुरोध करते हैं कि जो अर्घा जो होती है ये टेम्प्ररी है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी हालत में कोविड का फिर जो गाइडलाइंस है फेस्टिवल के दौरान उसका अनुपालन होना चाहिए और हम लोग नंबर ऑफ केसेस बढ़ना नहीं चाहिए ताकि पूरा 100% वैक्सीनेशन हो जाने के बाद यहाँ हम लोग अर्घा तो जो है आपके साथ और सभी जो स्टेक होल्डर्स है डिपार्टमेंट्स ये पूजा में सरस्वती पूजा और शिवरात्रि जो होना है इसके लिए काफ़ी भीड़ होनी है, उसके लिए व्यवस्था की जानी है। इसके लिए हम लोगों ने पूरे पथ का भ्रमण किया और जहाँ जहाँ जो त्रुटि पाई गई है उसको फैशन डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए कहा गया है। अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और साजन मेजर के साथ जहाँ पर फोर्स और पदाधिकारी देने की आवश्यकता है उसका भी जायजा लिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल हमें हेडक्वार्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और उसी के अनुसार इसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा देवघर की जिला कमेटी के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। समाहरणालय के सामने हो रहे धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता संथाल परगना प्रमंडल के अध्यक्ष सिद्धेश्वर मिर्धा ने की। धरना प्रदर्शन के मुख्य अतिथि झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह मौजूद थे। इन लोगों ने 10 सूत्री मांग पत्र के जरिए मांग किया है कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए। 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवा निवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों को नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करना। मौके पर लालू तुरी, सोमेश्वर रावत, नागेश्वर सिंह, प्रमोद तुरी, टेकलाल यादव, फैकन तत्वा, शिवम मिर्धा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। देवघर से अवनीश। आज हम लोग झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा देवघर जिला कमेटी की ओर से 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कराए। 10 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख है कि जिन चौकीदारों को सेवा से विमुख कर दिया गया है उनको तत्काल सेवा में बहाल किया जाए। वो भुखमरी के शिकार बन रहे हैं। संथाल परगना में करीब 10 चौकीदार भूख से मर गए हैं सेवा विमुक्त होने के बाद, दवा और भोजन के अभाव में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पुनः सेवा में बहाल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।